मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हमारे ठाकुर जी श्री राम कल अयोध्या पधार रहे हैं। हम जैसे सारे सनातनियों के लिए बहुत गर्व के दिन की बात है। बहुत कष्ट सहकर, बहुत सारे बलिदान देने के बाद आखिरकार हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि ठाकुर जी अपने अयोध्या लौट रहे हैं। क्या ऐसा करके रखे हो ठाकुर जी की स्वागत के लिए? ऐसा मत सोचना कि अगर आप शरीर से अयोध्या नहीं जा पा रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल भी उदास मत होना, क्योंकि अगर आप अपने मन में अयोध्या को बसा ले तो आप घर पे बैठकर भी ठाकुर जी के स्वागत कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे उपाय से कल आप घर बैठे बैठे हमारे ठाकुर जी के लिए दिवाली मना सकते हो। तो आपको क्या करना होगा आप संक्षेप में सुन लीजिए। सुबह की 11 बजे होते ही आप ठाकुर जी के स्वागत के भजन गाना प्रारंभ कर देना। छोटा छोटा कीर्तन या फिर ताली बजा के आप ठाकुर जी के लिए कोई भी मनमोहक गाना बजाइए। ठाकुर जी को रिझाइए, क्योंकि ठाकुर जी स्वागत करना है। इसके बाद 12 बजने से थोड़ी देर पूर्व आप आरती की थाल सजा लीजिए। उसमें रखिए चंदन, अक्षत, कुमकुम, पुष्प, ये सब लेकर आप टॉट 12 बजते ही ठाकुर जी की तिलक कर लीजिए, क्योंकि उसी समय अयोध्या पुरी में भी ठाकुर जी की भव्य अभिषेक किया जाएगा। उसी भाव को अपनी नजर में रखते हुए आप उसी समय तिलक कीजिए, उसके बाद आरती कीजिए और फिर ठाकुर जी की पसंद की कुछ अच्छा प्रसाद भोग बनाकर उनको पवाइए। अब इसके बाद क्या करना है, आप इंतजार कीजिए शाम होने की, और शाम होने के साथ साथ दीपक जोड़िए। जैसे आप दिवाली में सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल वैसे 11 दीपक जोड़िए। 11 दीपक क्यों, ये भी मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो है 4 दीपक भगवान श्री राम को लेकर, उनके जो तीनों भाई है उनके लिए 4 दीपक, फिर जानकी जी के साथ उनकी 3 बहनें को लेकर और 4 दीपक, हो गया 8 दीपक। इसके बाद होता है गुरु विश्वामित्र के लिए 1 दीपक और हनुमान जी के लिए और 1 दीपक, ये हो गया कुल मिला के 10 दीपक। और 11वां दीपक किसके लिए है, वो दीपक सिर्फ उसके लिए है जिन्होंने आज इस राम मंदिर के लिए अपनी जिन जिंदगी की कुर्बानियां देकर इस दिन को हमारे सामने प्रकट किए हैं। उन समस्त भगवान के भक्त के लिए एक दीपक आप जरूर जोड़िए। इससे ज्यादा भी आप जोड़ सकते हो, पटाखे भी जला सकते हो, लेकिन इतना हर एक सनातनी को जरूर करना चाहिए। तो क्या आप आज के लिए तैयार हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और लिखिए जय श्री राम।